हेलो गाइस, मेरे मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। आज भाई उठ के नहा धो के सबसे पहले दादी का आशीर्वाद लिया। दादी के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई। उसके बाद हम अपने अपने काम में लग गए और फटाफट से सारा काम निपटा लिया। उसके बाद दादी रोटी बनाने चलेगी। काफ़ी टाइम बाद दादी के हाथों की रोटी खाई। चूल्हे की रोटी का भाई टेस्ट ही अलग होता है। दादी ने फटाफट से सबकी रोटी बना दी ताकि काम जल्दी से हो जाए और अपना सिलाई का काम शुरू कर दे। सभी लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद सभी लोग अपने काम में लग गए। मैंने और मौसी ने स्टिचिंग की। स्टिचिंग में आज हम ए लाइन फ्रॉक बना रहे हैं। सबसे पहले हमने फ्रॉक की कटिंग की और उसके बाद हमने अपनी स्टिचिंग शुरू कर दी। फ्रॉक सिलने के बाद मैंने ऑयल से दादी के सिर की मालिश की। दादी के सिर में आज काफ़ी दर्द हो रहा था तो मैंने काफ़ी टाइम तक दादी के सिर की मालिश की। उसके बाद हम चले गए गाय के बछड़े के पास क्योंकि मुन्नू को देखना था गाय का बछड़ा। इसको गाय बहुत ही पसंद है तो फिर हम चले गए गाय देखने। फिर हमारी पैकिंग शुरू हो गई। आज हमें घर जाना था तो मैंने सारे गिया डाल लिए। आज सुबह ही मौसा जी ने हमारे लिए गिया कट करके रख दिए थे और बहुत सारी जामुन भी तोड़ दी थी। जामुनों को सीढ़ी लगाकर ऊपर से तोड़ा था और उसके बाद हमने इसको फ्रिज में रख दिया ताकि जामुन ख़राब ना हो। ले जाते समय बिल्कुल